अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीन जायदाद वाला फ्रॉम बहरिया टाउन कराची। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या बहरिया टाउन कराची भी डूब गया बारिश की वजह से? सबसे पहले ये सवाल हर बंदा पूछ रहा है, ये कराची के लोग, इवन बहरिया के रेजिडेंट कुछ ऐसे भी कह रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा बारिश ये परसों डे फॉर यस्टरडे हुई, और ये तूफान था, अलर्ट था महकमा मौसमिया की तरफ से, बहुत शदीद अलर्ट था कि, और कराची में भी अलर्ट आया हुआ है, स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं 3 दिन के लिए, छुट्टी देगी। लेकिन बहरिया टाउन कराची के अंदर तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे 150 मिलीमीटर बारिश हुई, रिकॉर्ड, 70 साल की हिस्ट्री में रिकॉर्ड बारिश हुई। उस वजह से इतनी बारिश होने के बाद, वो तूफानी बारिश थी, तकरीबन कह लें कि जब बारिश का दरमियान जब बहुत ज्यादा अरूज पे चलेगी, उस वक्त रेन, बारिश का पानी फ्लड इकट्ठा हो गया, जो कि सिर्फ कह लें कि कुछ हिस्सों में आया, और लोगों ने शोर डालना शुरू हो गया कि बहरिया टाउन में पानी भर गया, बहरिया टाउन डूब गया। ये मेरे साथ साथ फुटेज भी आपको मिलेंगी, ये सारी की सारी एक कह लें कि झूठ था, एक हकीकत, क्योंकि मैं भी बहरिया टाउन का रेजिडेंट हूँ, मैं भी रह रहा हूँ, हमने इसको दोबारा प्रॉपर फुटेज भी दिखाई। ठीक है, जितनी इतनी स्पीड से बारिश हुई, और इतनी बारिश हुई 150 मिलीमीटर सिर्फ एक पैच के अंदर, एक एरिया के अंदर, बहरिया टाउन के अंदर, उसको अगर आप देखें कि आधे घंटे के बाद तमाम पानी निकल गया, जब वैसे ही बारिश रुकी आधे से एक घंटे के अंदर तमाम पानी निकल गया। लेकिन जो इतनी शदीद से बारिश हुई उसको लोग हाईलाइट करना शुरू हो गए कि बहरिया टाउन डूब गया। ये अगर कराची के अंदर इस तरह होता तो कराची तो आप सबको फुटेज आपके पास है, टीवी की फुटेज है, लोगों की सोशल मीडिया की फुटेज है, हर चीज की फुटेज है। दो दो तीन तीन दिन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मुझे बताएं कि बहरिया टाउन के किसी घर में या किसी अपार्टमेंट में या किसी विला में कोई नुकसान की कोई वीडियो आई आपको? जस्ट फॉर हाफ एन आवर के लिए, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी, वो थोड़ा सा कुछ एरियो में हल्का सा पानी नजर आया, जो कि जैसे ही बारिश थमी वो सारे का सारा पानी निकल गया। फुटेज आपको शेयर होंगी इसके अंदर। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर कराची को देखा जाए, अगर इस तरह की बारिश वहां पे होती तो अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं हम सब, अल्लाह ताला हर एक को अपनी हिफाजत में रखे। वहां पर जो नॉर्मल होता है वो आप सबको पता है, क्योंकि ये फ्लड वार्निंग्स थी हर तरफ। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ये क्लियरेंस देने के लिए, मैं साइड नहीं ले रहा, लेकिन मैं रहता हूँ, मैं रेजिडेंट हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह अगर इतनी बारिश किसी अमेरिका में हुई, आप देखा होगा, यूरोप में, इंग्लैंड में होती हैं बारिशें इतने, तो वहाँ पे भी फ्लड आ जाता है। वो इतनी डेवलप नेशंस हैं, इतनी डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी दो दो तीन तीन दिन पानी खड़ा रहता है। फिर भी मैं ये इस हिसाब से सल्यूट करूँगा बहरिया टाउन की मैनेजमेंट को कि उन्होंने हाफ एन आवर 45 मिनट्स में तमाम पानी का निकाल दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी की भी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं हुआ इतनी बारिश होने के बाद भी। फुटेज आपके सामने है, मैं इसलिए वीडियो क्लियरेंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे स्टाफ भी बाहर से भी कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आए, हमें शेयरिंग भी हुई कि यार ये देखें बहरिया टाउन तो बड़ी बड़ी बातें करता था कि हमने, हमारा सिस्टम बेहतरीन है, यहाँ जितनी मर्जी बारिश हो जाए कुछ नहीं होता, लेकिन वो लोगों ने इसके ऊपर एक गलत किस्म की वीडियोस लगा के, पुरानी कोई वीडियोस इधर उधर लगा के, या उसी वक्त की वीडियोस थोड़ी सी लगा के, तो एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, विच इज़ रॉन्ग। हमेशा उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखे जाते हैं कि उसके जो इवेंट होने के बाद, जैसे बारिश इकट्ठी, इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद, इवेंट होने के बाद 1-2 घंटे के बाद क्या पोजीशन है, तो ये जो पोजीशन थी हाफ एन आवर के बाद सारी पोजीशन सारी की सारी बहरिया टाउन क्लियर हो चुका था। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन करना है, या आप सोच रहे हैं कि बहरिया टाउन कराची के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, या आप सोच रहे हैं कि कोई इंस्टॉलमेंट पे चीज़ लेनी है, तो डोंट फॉरगेट टू कॉल मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।